रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद आप लोग सब ख़ैरियत से होंगे आज मैथमेटिक्स के हवाले से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पर वीडियो बना रहा हूँ अक्सर देखा गया कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की वजह से स्टूडेंट जो है वो अक्सर परेशान होते हैं इसके अलावा आम रूटीन की जो स्टडीज़ हैं जो पेपर्स हैं उसमें आपको बाज़ात कैलकुलेटर की भी इजाज़त नहीं होती तो फिर ये परेशानी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आज इसी हवाले से आज कुछ आपको ट्रिक्स जो है वो मैथ के बताऊँगा जिसमें आप वर्बली विदाउट एनी कैलकुलेटर विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशंस, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है वो कैलकुलेशंस uh, कर सकते हैं इसमें आपको ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी और ना ज़्यादा हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा तो आज की वीडियो आम जो स्टूडेंट्स हैं छोटी क्लासेस के या बड़ी क्लासेस के इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जो किसी जॉब्स के लिए टेस्ट देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एफ पी एस सी पी पी एस सी एजुकेटर्स और बहुत सी जॉब्स के लिए जब वो रिटर्न टेस्ट देते हैं तो आम तौर पर उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन भी होता है जो बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से जो क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है तो उनकी कैलकुलेशन के लिए ना तो उनको कैलकुलेटर की इजाज़त जा, होती है और ना ही वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम होता है कि आप उसको रफ वर्क में से ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो कर सकें तो इस हवाले से जो आज की वीडियो है जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए यकीन बहुत यूज़फुल होगा कि इसमें आपको चांद एक ऐसी ट्रिक्स मैं बताऊँगा जिसमें आप आसानी से और बिल्कुल बर्बली जो है वो आप इसका कैलकुलेशन जो है वो कर सकेंगे तो आज के लेक्चर में तकरीबन चार ट्रिक्स जो है वो आपको मैं शेयर करूँगा बेसिकली ये जो ट्रिक्स है वो स्केयर के बारे में है। किसी नंबर का अगर आपने स्केयर लेना है तो फिर वर्बली या जबानी तौर पर कैसे उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलते हैं आज की पहली ट्रिक्स की तरफ तो आज की जो पहली ट्रिक है इसमें हम ए, स्केर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद ज़ीरो यानी किसी ऐसे नंबर का स्केयर फाइंड करना जिसके एंड में ज़ीरो आ रहा हो तो वो कैसे मुमकिन है तो आम तौर पर जो आपकी जॉब्स के लिहाज से या एम सी क्यूज के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत सिंपल उसमें जो नंबर्स जो है वो दिए जाते हैं तो इनकी जो जुबानी स्केयर रूट स्केयर वगैरह लेना है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है लेकिन इसमें ज़्यादा जो टिपिकल किस्म के जो ज़्यादा लार्ज नंबर्स है उसको तो फिर भी आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा लेकिन जो एम में या जॉब्स वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें जो आते हैं तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी हैं जो आप वर्बली कर सकते हैं तो आज की जो ट्रिक है वो आपको और ज़्यादा जो है वो टाइम भी आपकी बचाएगी और आपको परेशानी से भी बचाएगी तो चलते हैं आज की ट्रिक की तरफ अब मुझे समझाते हुए तो आपको टाइम लगेगा लेकिन जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीनी तौर पर जब भी आप फिर ये अपने एग्ज़ाम के दौरान इसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है वो ये ट्रिक्स यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकेंगे तो चलते हैं आज की ट्रिक जो है कि ऐसा नंबर जो ज़ीरो पे एंड हो रहा है यानी जिसका लास्ट डिजिट जो है वो जीरो हो तो उसका स्केयर स्केयर कैसे लेना है आपने फॉर एग्ज़ाम्पल थर्टी इसका हमने स्केयर जो है वो फाइंड करना है अब थर्टी का स्केयर लेना है तो अब आप इसको या तो कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक सिंपल वे जो है मैं आपको बताने लगा कि जो इसके साथ नंबर दिया गया है उसका स्केयर लेना है थ्री का स्केयर जो है वो नाइन होगा और ज़ीरो जो है वो आपने डबल कर देने हैं अभी इसमें नंबर ऑफ जीरो वन है एक जीरो है तो आप दो जीरो इसके साथ लगा देंगे तो ये थर्टी का जो स्केयर रूट है वो नाइन हंड्रेड होगा तो आप देखें कितना ईजीली आपने सिर्फ थ्री का स्केयर लेना है और ज़ीरो जो है वो डबल कर देने हैं इसी तरह आपके पास सेवन इसका स्केयर लेना है तो आप क्या करेंगे सेवन का स्केयर लेंगे फोर्टी नाइन और ज़ीरो जो है वो डबल कर देंगे तो ये हमारे पास 70 का जो स्केयर है वो फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो है वो आ गया इसी तरह एक नंबर और लेते हैं सिक्स हंड्रेड अब हमने इसका स्केयर लेना है तो अब क्या करेंगे सिक्स जो है वो इसको डबल इसका सिक्स uh, का स्केयर uh, स्केयर लेंगे हम थर्टी सिक्स आ जाएगा और ज़ीरो जो है वो डबल हो जाएंगे यानी दो ज़ीरो हैं तो ये चार जीरो हो जाएंगे अब देखें कितनी ईजीली हमने इसका स्केयर जो है वो फाइंड करते जा रहे हैं इसी तरह कोई और नंबर ले, ले लेते हैं अब अब नाइन थाउजेंड जो है इसका हमने स्केयर फाइंड करना है तो अब देखें वर्बली हम किस तरह कर सकते हैं नाइन जो है इसका स्केयर क्या होगा एटी वन और जीरो जो है वो डबल कर देंगे अब तीन जीरो हैं तो ये सिक्स हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच और छः अब इस तरीके से आपने इसका स्केयर फाइंड कर लिया अब देखें ना तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी और ना ही ज़्यादा कोई आपको कैलकुलेट uh, कैलकुलेशन uh, करनी पड़ी इसको तो हमने बड़ा इज़ीली सिर्फ एक नंबर जो आपको दिया गया उसका स्केयर लेना है और बाकी ज़ीरो की तदाद जो है वो डबल कर देनी है इसी तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको हंड्रेड इसका स्केयर uh, स्केयर लेना हमने तो वन का स्केयर वन ही होता है और ज़ीरो जो है वो डबल कर देंगे तो दो ज़ीरो हैं तो ये चार ज़ीरो हो जाएंगे तो इस तरीके से ये जो ट्रिक वन थी कि ऐसे नंबर का आपने स्केयर लेना है जो जिसकी एंडिंग जो है वो ज़ीरो पे हो रही हो यानी जिसका आखिर में ज़ीरो के यानी नंबर के साथ कुछ ज़ीरो जो है वो ऐड हो रहे हों तो उसका स्केर और लेने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि आपने जस्ट उस नंबर का स्केयर लेना है जो कि आप वेबली भी ले सकते हैं चूँकि जो, जो नंबर है वो वन से लेकर नाइन तक यहाँ पे हो सकता है और ज़ीरो जितने भी होंगे उसको डबल करते जाएँ तो इस तरीके से आप जीरो के साथ जितने भी नंबर एंड हो रहे होंगे उसका स्केयर लेने का तरीका आपको बता दिया है तो ये थी हमारी ट्रिक वन जिसमें लास्ट पे अगर ज़ीरो है और बाकी सिंपल कोई नंबर है तो उसके साथ उसका स्केयर कैसे लेना है तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर टू की तरफ तो अगला जो ट्रिक है इसमें स्केयर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद फाइव यानी ऐसा नंबर जिसके एंड में फाइव आता तो उसका स्केयर वोट वर्बली या विदाउट एनी कैलकुलेटर जो है वो कैसे ले सकते हैं तो इसके लिए एग्जांपल जो है थर्टी फाइव इसका हमने स्केयर लेना है तो ये हमारे पास एक नंबर है जो जिसके एंड में फाइव है यानी एंडिंग विद फाइव का मतलब कि लास्ट डिजिट जो है उसका फाइव होगा अब इसका स्केयर कैसे लेना हमें तो सिंपल इसका वे है कि जो इसका फाइव वाला डिजिट है इसका स्केयर लेना आपने जो कि आप जबानी ले सकते हैं फाइव का स्केयर जो है वो ट्वेंटी फाइव होगा यानी ये जो नंबर है इसका स्केयर ले लेना सबसे पहले आपने फाइव का स्केयर उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें आपने ये करना है कि ये जो नंबर दूसरा नंबर है फाइव के साथ इसको इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो थ्री से नेक्स्ट नंबर क्या होगा फोर तो फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये ट्वेल्व आ जाएगा यानी फाइव का स्केयर ले लेना है और जो अगला नंबर थ्री होगा इसको इससे अगले नंबर से यानी थ्री को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है फोर से तो ये ट्वेल्व आ जाएगा तो ट्वेल्व इधर लिख देंगे तो ये हमारा पास इसका जो आंसर आ चुका है अब देखें कितना ईजिली हमने इसको फाइंड कर लिया है कि जो फाइव होगा उसका स्केयर ले लेंगे और फिर जो अगला नंबर थ्री है यहाँ पे उससे इस नंबर को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने थ्री है तो फोर से मल्टीप्लाई कर दें अगर इधर फोर है तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दें अगर इधर सिक्स है तो इसको सेवन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो इतने शॉर्ट से टाइम आप मुझे समझाते हुए थोड़ी सी इसमें टाइम लग रहा है लेकिन जब आप करेंगे तो इन आप बड़ी जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे अब नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फोर्टी इसका स्केयर लेना है आप देखें ये नंबर भी फाइव पे एंड हो रहा है तो फाइव का स्केयर कितना होगा ट्वेंटी फाइव और फिर फोर को आपने क्या करना है फोर से जो अगला नंबर होगा फोर से अगला नंबर जो है वो फाइव होता है तो फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये ट्वेंटी आ जाएगा तो ये इसका आंसर आ गया इसी तरह सिक्सटी फाइव इसका स्केयर लेना हमने तो फाइव का स्केयर जो है वो ट्वेंटी फाइव होगा और सिक्स और इससे अगला नंबर कौन सा होगा सेवन यानी सिक्स से अगला नंबर कौन सा आएगा सेवन और सेवन और सिक्स को मल्टीप्लाई किया तो फोर्टी टू आ जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसी तरह एटी फाइव इसका हमने स्केयर लेना है तो अब फाइव का जो स्केयर है वो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और एट से अगला नंबर क्या होगा नाइन और नाइन को एट से मल्टीप्लाई किया तो सेवनटी टू आ जाएगा अब इसी तरह एक थ्री डिजिट वाला नंबर जो है उसकी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको अब वन जीरो फाइव वन हंड्रेड फाइव इसका हमने स्केयर लेना है तो अब देखेंगे जमानी कैसे करेंगे फाइव का स्केयर जो है वो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और यहाँ पे नंबर टेन है तो टेन से नेक्स्ट नंबर क्या होगा एलेवन तो अलेवन और टेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन टेन आ जाएगा और यही इसका जो होगा इसका स्केयर है यानी एक सौ पाँच का स्केयर क्या होगा ग्यारह हज़ार पच्चीस तो हमने क्या है फाइव का स्केयर ले लिया और टेन को किससे मल्टीप्लाई करना है इससे नेक्स्ट नंबर से तो टेन से नेक्स्ट नंबर अलेवन होता है तो एलेवन और टेन को मल्टीप्लाई किया तो ये एक सौ दस आ जाएगा तो टोटल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा ग्यारह हज़ार पच्चीस जी स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रिक नंबर टू जो है इसको सीखा है कि ऐसा नंबर जिसके एंड में फाइव आता हो तो उसका स्केयर आप वर्बली या ज़ुबानी कैसे ले सकते हैं तो उसका मैंने आपको तरीकाकार बता दिया थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि जो नंबर आपको एंड में दिया होगा फ़ाइव उसका स्केर ले लेना है और जो दूसरा नंबर होता है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना थ्री को हमने फ़ोर से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व आ जाएगा इसी तरह फाइव का स्केर ट्वेंटी और फिर फोर को किससे मल्टीप्लाई करना है इससे नेक्स्ट नंबर से तो फोर से नेक्स्ट जो है वो फाइव होता है तो फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी आ जाएगा इसी तरह फाइव का स्केर ट्वेंटी फाइव और सिक्स से नेक्स्ट नंबर सेवन होता है तो सिक्स सेवनजार फोर्टी टू इसी तरह फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव और एट से नेक्स्ट नंबर क्या होता है नाइन तो एट को नाइन से मल्टीप्लाई किया तो सेवनटी टू आ जाएगा इसी तरह वन जीरो फाइव है तो फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव और टेन को किससे मल्टीप्लाई करना है इससे नेक्स्ट नंबर से तो नेक्स्ट 11 है तो टेन को 11 से मल्टीप्लाई किया तो वन टेन आ जाएगा तो इस तरीके से देखें देखेंगे कितना ईजीली हमने ऐसे नंबर का स्केयर रूट बनाना सीख लिया है जिसके एंड में फाइव आता हो तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आएंगे आपके रूटीन के क्वेश्चन में या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़े आसानी से इनको जो है वो वर्बली सॉल्व कर सकेंगे जी व्यूअर्स अब हम ट्रिक थ्री जो है उसकी तरफ चलेंगे अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नंबर जिसके एंड में फाइव आता हो या ज़ीरो आता हो तो उसका स्केयर रूट तो हमने सीख लिया अगर इनके अलावा कोई और नंबर हो तो उसका स्केयर रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है तो जी बिल्कुल हम आपको उसका भी एक ट्रिक जो है वो बताएंगे कि ऐसे किसी भी नंबर का अगर आपने स्केयर लेना है तो वो कैसे लिया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 32 इसका स्केयर लेना यानी हाउ टू फाइंड द स्केयर ऑफ एनी नंबर यानी आप कोई भी नंबर जो है अगर उसका स्केयर वर्बली लेना चाहते हैं तो फिर कैसे लिया जा सकता है जहर जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के तो बहुत आ, सिंपल जो है वो शार्ट से नंबर्स होते हैं जिनका आपको इस तरह जरूरत पड़ सकती है अगर, अगर बड़े बड़े लार्ज नंबर है तो ज़ार उसके लिए तो आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी लेकिन एक सिंपल वे में अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं किसी क्वेश्चन में तो आम तौर पर जो एम सी क्यूज़ है या जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे अगर आपको किसी नंबर का स्केर लेना भी पड़े तो वो इसी टाइप के होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो थर्टी टू जो है इसका स्केयर रूट लेना अब आप देखें ना तो इसके जीरो एंड में जीरो आ रहा है और ना ही इसके एंड में फाइव आ रहा है तो आप ये एक रैंडम नंबर है तो हम इसका स्केयर जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं अभी जो मेथड मैंने आपको पिछला बताया था फाइव के साथ जिसका एंडिंग जो है वो फाइव के साथ हो रही हो एंड में फाइव आता हो तो वो क्वेश्चन भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं तो अब इसका तरीकाकार ये है कि ये दोनों नंबर जो हैं इसमें दो स्टेप आपको करने पड़ेंगे टू का स्केयर लहदा लें और थ्री का स्केयर जो है वो अलहदा लें टू का स्केयर जो है वो फोर आ जाएगा और अगर ये एक डिजिट है तो साथ जीरो लगा देंगे यानी टू का स्केयर फोर अगर ये टेन से कम है तो फिर आप ज़ीरो फोर लिखेंगे अगर इसी तरह थ्री है थ्री का स्केयर नाइन आ जाएगा तो ज़ीरो नाइन लिखेंगे तो अगर एक डिजिट का नंबर आंसर आया तो आप उसके साथ ज़ीरो खुद लगा देंगे तो ज़ीरो फोर और इसी तरह थ्री का स्केयर लेंगे तो ये नाइन आ जाएगा यानी टू का स्केयर ले लेना है और फिर थ्री का स्केयर ले लेना है ये नंबर आपने लिख दी स्टेप वन हो अब स्टेप टू में आपने क्या करना है ये तीन दो नंबर ये और तीसरा ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स और सिक्स टू आर ट्वेल्व तीन तीनों को मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व आ जाएगा तो अब आपने यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के ट्वेल्व लिख देना है यानी जो इसका तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है और अब आपने इनको प्लस कर लेना है फोर टू प्लस जीरो टू और नाइन प्लस वन टेन आ जाएगा तो थर्टी टू का स्केयर हमने विदाउट एनी कैलकुलेटर वर्बली इसको हमने कर लिया है कि टू का स्केयर फोर आता है लेकिन ज़ीरो फोर लिखेंगे इसी तरह थ्री का स्केयर नाइन आएगा वो लिख दिया ये स्टेप वन होगा स्टेप टू में क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आप तो वो इधर लिख देंगे एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने हमेशा लिखना है और बाद में इनको प्लस कर लेना अब 55 इसका स्केयर अब देखो 55 है एंड में इसके 5 आ रहे तो ये ट्रिक नंबर टू से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप और अगर आपने इस ट्रिक थ्री से या करना है तो फिर वो भी आपको तरीका बता देता तो का आपको आ, अब आप क्या करेंगे फाइव का स्केयर लेंगे ट्वेंटी फाइव अब ये दो डिजिट है तो आप ज़ीरो लगाने की जरूरत नहीं है तो इसका स्केयर ले लिया और इसके बाद ये जो फाइव है इसका भी स्केयर ले लेना आपने ये स्टेप वन होगा अब स्टेप टू में क्या करना है इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई किया तो ये फिफ्टी आ जाएगा तो इधर से एक डिजिट छोड़ के आपने फिफ्टी लिख देना है तो इनको आप प्लस कर देना फाइव टू प्लस जीरो टू और फाइव और फाइव टेन ये कैरी होगा टू प्लस वन जो है वो थ्री आ जाएगा अब एक और एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं सेवनटी नाइन का स्केयर अब सेवनटी नाइन जो है इसका स्केयर लेना है तो दो स्टेप आपने इसके लिए फॉलो करने हैं नाइन का स्केयर एटी वन अगर दो डिजिट आ जाए तो फिर ज़ीरो नहीं लिखा जाता जैसे यहाँ पे मैंने बताया था और इसी तरह सेवन का स्केयर कितना आएगा फोर्टी नाइन तो ये स्टेप वन होगा इसका उसके बाद स्टेप टू आपको क्या बताया कि ये इन तमाम नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेवन को नाइन से मल्टीप्लाई किया सिक्सटी थ्री और 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 126. राइट right साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने ये सारे नंबर लिख देने अब इनको प्लस कर लेना आप तो 1 8 प्लस सिक्स फोटीन एक कैरी 9 10 और 2 12 फिर एक कैरी 4 प्लस वन प्लस टू तो सिक्स आ जाए डियर स्टूडेंट्स ये थी ट्रिक नंबर थ्री जिसमें आपने एक रैंडम नंबर कोई भी नंबर जो है टू डिजिट वाला उसका अगर स्केर लेना है तो हम कैसे उसको जुबानी बगैर कैलकुलेशन के बगैर ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ किए हुए किस तरीके से आसानी से हम कर जी दो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप बड़ी दिलचस्पी से इसको देख रहे होंगे तो अब हम ट्रिक नंबर फोर की तरफ जो है वो बढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द स्केयर ऑफ एनी नंबर नियर टू फिफ्टी अभी मैंने आपको पिछली जो ट्रिक थ्री थी उसमें आपको एक ऐसा नंबर यानी कोई भी नंबर जो है उसका स्केयर रूट स्केयर फाइंड करने का मेथड जो है बताया था तो अब ये जो अभी हम ट्रिक पढ़ेंगे इसमें क्या है कि कोई भी नंबर लेकिन वो क्या हो नियर टू फिफ्टी यानी अगर पचास के करीब करीब कोई नंबर है तो फिर उसको उसका स्केयर फाइंड करने का और भी सिंपल वे आपको बताने लगाऊँ जो पिछला मेथड है वो भी इस पर अप्लाई हो सकता है और ये एक नया ट्रिक जो है वो भी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नंबर जो 50 के करीब हो तो उसको हम एक और तरीके से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उसका स्केयर तो इसके लिए आपको दो ट्रिक दूंगा एक तो ये कि ऐसा नंबर जो 50 के करीब हो 50 के करीब हो लेकिन वो लेस देन 50 हो यानी 50 से कम है और उसके करीब करीब है तो उसको हम वर्बली कैसे कर सकेंगे और फिर ट्रिक नंबर फाइव में आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जो ऐसा नंबर जो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो फिर उसको वर्बली हम कैसे कर सकते हैं तो पचास से कम या पचास से ज़्यादा इन शाला आप इसको देखते हैं कि कैसे करना है अब हमारे पास एक नंबर है फोटी टू इसका स्केयर लेना है आप फोर्टी टू जो है अब देखें वैसे तो इसको ट्रिक नंबर थ्री से भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अब चूँकि ये फिफ्टी के करीब करीब है तो चंद डिजिट का अगर फ़र्क है तो आप ईज़ीली उसको कर सकते हैं तो अब हम इसको एक नए मेथड से जो है वो देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है तो इसके लिए आपने करना क्या है इसके जो स्टेप है वो आप जेन में रखें एक तो ये है कि ये फिफ्टी से कितना कम है ज़ाहिर ये आप ज़ुबानी आप इसको कर सकते हैं यानी फिफ्टी में से फ़ोटी टू माइनस कर देना है तो ये एट आएगा फिफ्टी में से फोटी टू माइनस कर देना है यानी जो भी आपको नंबर दिया गया और जो पचास के करीब करीब है पचास से कम है तो फिर आप क्या करेंगे उसको फिफ्टी में से उसको माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेना आप जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा सॉरी 64। फोर एट का स्केयर कितना आ जाएगा 64। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या इसके लिए आपने एक नंबर जो है वो जेन में रखना है यानी अभी आपको एक ऐसा नंबर आप तर, इस तरह इस मेथड से जब भी आपने वर्बली कैलकुलेशन करनी हो स्केयर लेना हो तो आप फिर आपने 42 यानी 50 से कम है तो आपने एक नंबर जो है वो याद रखना है ट्वेंटी तो हमेशा आपने इसी रेफरेंस से आगे काम जो दूसरा स्टेप हो इसी रेफरेंस से होगा तो ये ट्वेंटी फाइव जो है इसको आप अपने जहन में फिक्स कर लें तो आपको ये याद रहेगा अब आपने क्या करना है कि ट्वेंटी फाइव में से ये एट माइनस कर देना है तो ये सेवनटीन आ जाएगा तो जो आंसर आया वो यहाँ पर लिख देंगे आप तो ये आपका स्केयर जो है वो निकल चुका है फिर दोबारा देख लें यानी अभी आपको मुझे समझाते हुए टाइम लग रहा है लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी जल जल जल्दी ये सारा प्रोसेस जो है वो कर लेंगे चूँकि पेपर जो एम सी क्यूज टेस्ट होता है या आपके जो जॉब्स के लिए टेस्ट होते हैं उसमें टाइम जो है वो एक मेजर फैक्टर है कि टाइम बहुत कम होता है और ना तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत तो उधर यूज़ करने की इजाज़त होती है और टाइम कम होने की वजह से आप ये कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं कर सकते कि टाइम वेस्ट होगा और आपके क्वेश्चन जो है वो उसमें रह जाएंगे तो फिर ये छोटे छोटे जो टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ तो यकीन आपको ये कैलकुलेटर से भी बचाएँगे और आपका जो टाइम है उसको भी सेव करने में ये मदद देंगे और आप अपने पूरे टाइम में सारे क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे तो दोबारा देखें कि ऐसा नंबर जो 50 से कम हो उसके करीब करीब हो तो फिर उसका स्केयर कैसे लेना है उसके लिए आपने ये करना है कि जो नंबर है उसको 50 में से माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा तो 8 का स्केयर जो है वो 64 फोर वो ले यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ट्वेंटी फाइव ये नंबर आपने जहन में रखना है फिक्स कर लें इसको और ट्वेंटी फाइव में से ये नंबर माइनस करें जो इसका डिफरेंस है फिफ्टी के साथ तो ट्वेंटी फाइव में से एट माइनस कर देना सेवनटीन तो सेवनटीन यहाँ पर लिखेंगे तो ये इसका स्केर रूट हमारा स्केयर आ गया फोर्टी टू का स्केयर क्या होगा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है अब एक और एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं फोर्टी इसका स्केयर लेना है अब वैसे तो ये देखें जो ट्रिक नंबर वन आपको मैंने बताई थी कि ऐसा नंबर जो जीरो के साथ एंड हो रहा हो तो उसके लिए सिंपल आप फोर का स्केयर जो है वो सिक्सटीन आ जाएगा और ज़ीरो डबल कर देंगे तो इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं ये ट्रिक नंबर वन के तहत ही मैंने इसको कर दिया है लेकिन अगर आप इस मेथड से करना चाहें ये जो अभी ट्रिक फोर आपको बताई जा रही है कि फिफ्टी के करीब करीब और उससे लेस है तो फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं तो अब आप क्या करेंगे 40 का स्केयर लेना आपने इस ट्रिक के तहत तो फिर क्या किया जाएगा कि 40 जो है ये 50 से कितना कम है 10 तो 10 का जो स्केयर है वो लेना टेन का स्केयर जो है वो हंड्रेड होता है तो ये दो दो, दो ज़ीरो लगा देंगे और एक कैरी होगा यानी क्या करेंगे 50 में से 40 माइनस करेंगे जैसे इधर किया आपने और 10 आएगा तो 10 का जो स्केयर है वो कितना होगा 100 तो एक कैरी आ जाएगा इसमें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था आपने जितना इसका डिफरेंस है 40 का जो 50 के साथ डिफरेंस है वो कितना 10 तो 25 में से 10 माइनस कर देना तो ये 15 आ जाएगा तो 15 और एक जो कैरी था वो इसमें ऐड कर देना तो ये सिक्स सिक्सटीन आ जाएगा दोबारा देखें इसको कि 40 का स्केयर ऑड एक तो ट्रिक नंबर वन के मेथड से कर दिया वैसे तो ये जीरो आ जाए तो फिर आप ट्रिक वन पे ही उसको अप्लाई करें और अगर आप इस मेथड से भी करना चाहें तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फोर्टी जो है वो फिफ्टी से कितना लेस है टेन तो टेन का जो स्केयर है वो हंड्रेड होता है तो दो ज़ीरो लगा दिए तो एक कैरी आ जाएगा इस और उसके बाद ये कितना कम है ट्वेंटी फ़ाइव जो मैंने आपको कहा था नंबर अपने जेन में फ़िक्स कर लेना तो ट्वेंटी फाइव में से टेन माइनस कर देना जो इसका डिफरेंस है तो फिफ्टीन आ जाएगा जो एक कैरी था इसमें ऐड किया सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन लिख दिया तो ये इस तरीके से ट्रिक नंबर फोर जो है हमने इस पर अप्लाई की तो ये सिक्सटीन हंड्रेड आ गया दोनों मेथड से यानी ये और ट्रिक वन से मैंने करके दिया और ये ट्रिक फोर से करके दी अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं थर्टी फाइव का स्केयर अब देखें एक तो ये कि इसके एंड में फाइव आ रहा है तो ये जो पिछली मैंने आपको ट्रिक टू बताई थी उसके तहत भी इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगर आपने इसके ट्रिक फोर को यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे कि ये नियर टू फिफ्टी यानी ये वैसे तो फिफ्टी से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा वो नंबर थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा तो उसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने इसी से करना है तो फिर कैसे किया जाएगा तो थर्टी फाइव जो है वो फिफ्टी से कितना लेस है फिफ्टीन अब आपने 15 का स्केर ले लाना यहाँ पे 15 का स्केयर जो है 225 होगा तो ट्वेंटी फाइव लिख देना टू इसमें जो है वो कैरी होगा उसके बाद जो नंबर आपको मैंने फ़िक्स करने के लिए कहा हुआ है इस ट्रिक में 25 तो 25 में से 15 माइनस कर देना तो 10 आ जाएगा तो 10 में जो इसमें कैरी था वो 2 ऐड कर देना है तो ये 12 आ जाएगा जी व्यूअर्स अब हमने ट्रिक फोर जो है इसको डिस्कस कर लिया है मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि ऐसा नंबर जो 50 के करीब तरीन होगा उसका स्केयर कैसे हम वर्बली ले सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशंस तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे ये 42 थी तो 42 का स्केयर लेना है तो आप आपने देखना कि ये 50 से कितना लेस है तो 50 में से माइनस किया 8 तो 8 का स्केयर आपने लेना सिक्सटी फोर जो कि जमानी लिया जा सकता है और उसके बाद ये एड जो है वो एक फ़िक्स नंबर जहन में रखें कि इस ट्रिक में आपने ट्वेंटी फाइव को अपने जहन में बिठा लेना है तो पच्चीस में से आठ माइनस करने है तो सेवनटीन आ जाएगा जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना तो इन सारा जितनी भी मैंने एग्जाम्पल ली है इसमें यही प्रोसीजर मैंने अडाप्ट किया है तो सिंपल इस वे में जो पचास के करीब करीब होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकेंगे लेकिन अगर ये थर्टी फाइव है तो अब जितना ये फिफ्टी से दूर होता जाएगा नंबर जा, इसका डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो जो करीब तरीन है वो बड़ी आसानी से हो सकते हैं जो कि उसकी कैलकुलेशन आप जबानी कर सकते हैं अब हम आज का जो लेक्चर है इसके आखिरी ट्रिक नंबर फाइव जो है इसको डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द स्केर ऑफ़ एनी नंबर नियर टू फिफ्टी यानी बेसिकली ये मेथड भी वही है जो ट्रिक नंबर फोर में हमने पढ़ा है कि जो फिफ्टी के करीब तरीन नंबर होगा उसका स्केयर आप कैसे वर्बली जो है वो निकाल सकते हैं लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर दैन फिफ्टी यानी पचास से बड़ा होगा जो इससे पिछले ट्रिक मैंने बताई है उसमें वो नंबर जो है वो 50 से कुछ कम था अब ये 50 से कुछ ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना आपके लिए बर्फ निकालना मुश्किल होता जाएगा लेकिन जो करीब तरीन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं तो अब एक एग्ज़ाम्पल है सिक्सटी का स्केयर अब सिक्सटी जो है वो फिफ्टी से बड़ा नंबर है और उसके करीब तरीन है तो आप देखें इसका स्केयर कैसे लेना है तो इसके लिए आपने क्या करना है पहले तो ये देखना है कि ये 62 जो है वो 50 से कितना लेस है तो 62 में से 50 माइनस किया तो ये 12 आ जाएगा पहले हमने 50 में से माइनस करते हैं आप जो कि ये 50 से बड़ा नंबर है आप इसको 50 में से माइनस कर देंगे यानी इस नंबर को 50 इसमें से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा अब आपने 12 का जो स्केयर लेना वो 144 144 अब दो इन से आप लिखेंगे तीसरा वन जो है वो कैरी होगा अब नेक्स्ट आपको जो बताया था पिछले ट्रिक में कि एक नंबर आपने याद रखना है ट्वेंटी फ़ाइव ये आपने जेन में रखना है इसको फिक्स कर लें अब आप ट्वेंटी फ़ाइव में से ये ट्वेल्व जो है वो पिछले ट्रिक में आपने क्या किया था कि ट्वेंटी फाइव में से ये माइनस किया था लेकिन अब जब ये नंबर फिफ्टी से बड़ा होगा तो फिर आपने माइनस नहीं करना प्लस करना यानी पिछले ट्रिक में और इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले हमने ये नंबर माइनस करते हैं ट्वेंटी फाइव में से आप ये ट्वेंटी फाइव में प्लस करेंगे तो ट्रिक नंबर फाइव में आपने जहन में रखनी है कि फिफ्टी से अगर ऊपर नंबर है ये वाला तो फिर आप ट्वेंटी फाइव में ये डिफरेंस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी थर्टी सेवन और एक इसमें जो कैरी था वो इसमें ऐड किया तो थर्टी एट आ जाएगा तो थ्री एट फोर फोर इसका जो है वो आंसर होगा अब एक और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं हम सेवेंटी फिफ्टी नाइन अब इसका हमने स्केयर लेना है हमने अब देखें ये नंबर जो है वो फिफ्टी के करीब तीन है और नंबर दो ये फिफ्टी से ग्रेटर है तो फिर ये ट्रिक फाइव होगा अगर लेस दो तो फिर ट्रिक फोर जो हमने स्टडी किया अभी अब हमने क्या करना है इस नंबर में से 50 को माइनस कर देना है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 यानी 9 और 59 यानी ये नंबर और 50 का डिफरेंस लेना है इधर भी और पिछली ट्रिक में भी तो ये 9 आ गया अब नाइन का स्केयर आपने लेना है तो 9 का स्केयर क्या होगा 81 वन नाइन का स्केयर एटी वन हम अब हमने क्या करना है जो फिक्स नंबर आपको मैंने बताया ट्वेंटी फाइव इसमें नाइन प्लस करेंगे तो नाइन प्लस करेंगे तो ये थर्टी फोर आ जाएगा तो थर्टी फोर यहाँ पर लिख देंगे तो फिफ्टी नाइन का जो स्केयर है अब देखें हमने कितना आसानी से इसको विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन विदाउट एनी कैलकुलेटर हम आसानी से यानी जो कैलकुलेशन हम इसमें आ भी रही है वो इतनी सिंपल है कि आप इजीली उसको वर्बली ख़ुद से कर सकते हैं आपको किसी ज़्यादा उसकी रफ़ वर्क की ज़रूरत नहीं है ना ही आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो अब हमने ट्रिक फाइव जो है उसको यूज़ करते हुए इसका स्केट जो है वो फाइंड कर लिया अब जितनी भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसमें या पिछली तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके आंसर जो है वो ठीक है तो अब हमने इस आज का जो लेक्चर है इसमें हमने पांच ट्रिक्स जो है वो इसको स्टडी किया है स्केयर uh, के हवाले से कि मुख्तलव नंबर्स का अगर आपने स्केयर लेना है तो किस तरीके से आप कैल्कुलेटर यूज़ किए बगैर या ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन के बगैर जो है वो ईज़िली इसको कर सकते हैं इन ट्रिक्स को सीखने के बाद आपको ये भी एंड में बताता चलूँ कि ये कहाँ कहाँ पे आपको हेल्पफुल हो सकती है कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ रूटीन की जो मैथमेटिक्स है उसमें या की बात जब आती है स्केयर वगैरह लेने की बात आती है तो वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है जो सिंपल मतलब कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आप इंटेक्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं इसके अलावा मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं तो उसमें बाज एफ सर्कल या एरिया ऑफ सिलेंडर जो है उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर अगर बहुत सिंपल किस्म की वो कैलकुलेशन है तो वो आप इंटेक्स से जो है वो कर सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरीके से आ, प्रैक्टिकल यूज़ जो जिस ट्रिक्स का है वो ये है एरिया ऑफ सर्कल जो कि आप जानते हैं पाई आर स्केयर के इक्वल होता है तो अब चूँकि जिसमें आर स्केयर की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी होगी तो लाजिम बात है कि आपको उसका स्केयर लेना पड़ सकता है इसी तरह एरिया ऑफ सिलेंडर जो है पाई आर स्केयर एच तो ये फार्मूला या इसी तरह के और जिसमें स्केयर यूज़ होता हो तो वहाँ पे ये ट्रिक्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये आम जो कॉमन जो मैथमेटिक्स है उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है इसके अलावा ये एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सिलेंडर या इस तरह के और जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें स्केयर लेना पड़े वहाँ पे इसको जो है वो इन को जो है वो, वो यूज़ करके आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और टाइम की जो है वो बचत कर सकते हैं अब लास्ट में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो जितनी भी ट्रिक्स हमने सीखी हैं तो आप इसको मुख्तलिफ़ क्वेश्चन के लिए अप्लाई करें और साथ साथ आप अपने कैलकुलेटर से भी इसको चेक करें और वे ये जितनी ट्रिक्स हैं इसको वेरीफाई करें और कमेंट्स में भी इसको बताएं कि क्या ये तमाम किस्म के जो कैलकुलेशन uh, हैं जिसमें स्केयर लेना हो तो उनके लिए दुरुस्त है तो आपने इसको भी चेक करना है और लास्ट पर आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए तो आपने इन क्वेश्चन को इसी ट्रिक्स की मदद मतलब से जो है वो सॉल्व करना है और कमेंट्स में इनके जो है वो आंसर देने हैं देखते हैं कितने लोगों के जो है वो ठीक होते हैं तो इसमें प्रैक्टिस फॉर यू 62 का स्केयर आपने फ़ाइंड करना है नंबर टू 35 का स्केयर फाइंड करना है और नंबर थ्री जो है वो 70 का स्केयर फाइंड करना है तो ये तीन असाइनमेंट्स हैं इसको आपने इन्हीं ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते हुए इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में देंगे तो अब ये मुख्तलफ जो ट्रिक्स आपको बताई गई हैं ये आप अपनी जो रोज़मर ज़िंदगी के मसाइल हैं या आपके एम सी क्यूज़ वगैरह या जॉब्स के लिए जो टेस्ट देते हैं तो उसमें यकीन आपको ये हेल्प करेंगी कि आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं तो आप आसानी से इंट्रीज को यूज़ करते हुए जो है वो अपने क्वेश्चन ईजीली कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं और सबसे अहम बात यह कि बहुत शॉर्ट टाइम में आप इसको कर सकते हैं अभी तो चूँकि मैं आपको समझा रहा था तो इसलिए कुछ टाइम उसमें ज़्यादा सरफ होता है लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो यकीनी तौर पर आप बड़ी आसानी से जो है वो थोड़े टाइम में इसको कर लेंगे अपना टाइम भी बचाएँगे और आपके ज्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइम के अंदर जो है वो आप सॉल्व कर सकेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटव होगा तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ हो सकें और अपने मैथमेटिक्स के हवाले से अपने लिए आसानी पैदा कर सकें आपको बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़